पहली बात सुनो, सुन सुन दुबे, गर्मी मेरे को मत दिखा, अभी आराम से बात कर रहा हूँ ना, आराम से बात कर रहे हैं, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तेरे अंदर गूदा है तो नहीं, मेरे जाके मिलने नोएडा सेक्टर 56 में, हाथ खड़े कर देंगे, फिर जो सामने पड़ता वही वही भोगता है, कोई हुआ, मुझे पता है ना, जब RBL में रीजनल मैनेजर था, RM था, उसको मारा था बहन, जो थप्पड़ ही थप्पड़ मारा था, कट्टा लगा दिया था बहन, जो गांड फट गई थी, थूक के चाटा था वो। बोला कल्लू भाई, और आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। हाँ दुबे जी, मैं बोल रहा हूँ, संतोष और कल्लू भाई हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? मैं हाँ वाराणसी। वाराणसी के हैं जी? यार हम भी तो वही लखनऊ के हैं। पर आप कहीं के भी हो, देखिए वो मैटर नहीं करता है, पर अगर कोई मुझे गाली गलौज करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप भी जाएं। देखो मेरी बात सुनो, गाली गलौज पहले आपने की है, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग में, हाँ रिकॉर्डिंग में मेरी एक भी गाली निकाल दो तो ठीक है। मनीष की ऐसी मैं छोड़ूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा, मनीष की ऐसी मैं छोड़ूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा, वो कभी भोसड़ी के पहले खुद की मैया हम छोड़ेंगे तो पहले ध्यान में रख, वो कभी भी किसी के बीच में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। यशवंत अपने बाप को मत सिखा, तेरा बाप है ना, इन सब चीजों में रह चुका है, पर इतना ये बोल रहा हूँ, मनीष की ऐसी माँ छोड़ूंगा, मनीष की ऐसी माँ छोड़ूंगा, जो मनीष है ना अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं। जी देखो आपस में ये सब सही नहीं है, संतोष जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बीच में मत आइएगा, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप बात करो। हेलो हेलो बोलिए जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, क्या हुआ, कहाँ मिल रहे हैं बताओ, मैं तो मिलने के लिए तुमसे तैयार हूँ। अरे बोल, सेक्टर 56 के लिए बोला था तुमने, कहा तुम हो ही नहीं आई, मनीष ऐसा करो कल आप आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यहाँ 56 में, यही बुला लो, मैं ऑफिस में आता हूँ, ये नोएडा वाले ऑफिस में आता हूँ, तो मुझे मेरे आ जाओ, इंदु या भाई ने सचिव ऑफिस में आ जाओ, तुम तो नोएडा आओगे नहीं, मैं ही आता हूँ तुम्हारे लिए भाई, जहाँ से मारी धमकी दी है तो भाई देखो तो सही। अरे इतनी औकात है किसी में, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी की औकात है? नहीं नहीं नहीं, कल्लू भाई से कोई पंगा ले ले, एजेंसी की पूरी निकलेगी। देखो तो नौकरी पूरी आ चुकी मेरी, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझसे बोलते, तुम मुझसे बोलोगे नहीं कोटक का नाम सुन ली, मेरे पास तुम्हारी पूरी आ गई है तो मैं भी तो देखूंगा, इतना बड़ा कौन शेर है। अरे इतना कोई नहीं पैदा नहीं हुआ है, मैं बता तो रहा हूँ, अच्छे अच्छे जो मेरे से हड्डी हिलती है, इस समय सरकार भी अपनी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, सरकार तो कोटक महिंद्रा बैंक की एजेंसी। अरे नौकरी करने आए हो वाराणसी से, यहाँ नौकरी कर रहे हो, ठीक है, बाहर से आए हो, पेट पालने आए, बच्चों का पेट पालने आए हो, गुंडागर्दी करने से, अभी देखो कोई भी अगर अच्छा या कुछ बुरा आदमी तुमसे लिपट जाएगा तो ये बैंक वाले एजेंसी वाले सारे अपने हाथ खड़े कर देंगे, फिर जो सामने अच्छा। पड़ता वही वही भोगता है, कोई हुआ, ठीक है अच्छा। तो ये सब देखो गुंडागर्दी ये सब कुछ है नहीं, देखो धमकी दोगे और मिलना है तो भाई कल आ जाओ, मनीष को मैं बुला लेता हूँ, सेक्टर 56 में बैठ जाते हैं आमने सामने। देखो ये तो आ नहीं रहे भाई भी कहने, तो मैंने कहा चलो मैं ही आ जाता हूँ, मिलते हैं, ठीक है, ये सब देखो नौकरी कर रहा, नौकरी करो, लेकिन किसी की माँ बहन मत तौलो, जिसने लोन लिया उसको तौलो, लेकिन माँ बहन तौलोगे तो वो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है किसी की माँ बहन को तौलना, क्योंकि माँ बहन ने लोन नहीं लिया है, लोन या कार्ड यूज किया है, जिसने यूज किया उसको जो कहना है करो, जो कहना है कुछ बोला था, मैंने कुछ भी नहीं बोला था, ये बीच में आए थे बीच में ला रहे हो तुम, मैंने ये बोला था कि माँ है तुम उसी को बीच में ला रहे हो, मैंने ये बोला था कि अपनी माँ की कसम खा लो कि आपने मैंने गाली बका, तो इसमें कौन सी गलत। दुबे जी कहने का मतलब ये है, देखो बाहर से आए हो नौकरी कर रहे हो, दिल्ली में नौकरी कर रहे हो। अरे सर संतोष जी आप हर चीज मुझ पे ला रहे हो, एक बार अपने भाई से भी तो पूछो, मेरी बात पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो, मैं उनको भी कहूंगा, ठीक है, आप बाहर से आके नौकरी कर रहे हो, आपकी भी माँ बहन है, आपकी बीवी बच्चे हैं, ठीक है, अगले को जिसको गाली दे रहे हो उसकी भी माँ बहन बीवी बच्चे हैं, तो जिसने लोन लिया उसको आप गाली दो, कुछ भी करो, एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। गाली ब्रदर मैंने तो गाली नहीं दी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये बीच में आके ये बैंक का नाम क्यों नहीं बताया तुम्हें, बैंक का नाम मुझे लग रहा है, बैंक का नाम बताओ ना, ऐसे कैसे पैसा मांगोगे, पहले अपना परिचय तो दो। ये मुझे लगातार कॉल करके कल से गाली गलौज कर रहे हैं, 9-8 मेरे पास इतनी फुर्सत है मैं इन्हें कॉल करूंगा, आपको लग रहा है बस।
नहीं नहीं मुझे मालूम है, मनीष मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मनीष का काम बहुत बिजी काम वो चलता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मनीष का भी, मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मैं भी उतना खाली नहीं रहता हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने मेरे साथ लगातार गाली गलोच 10 मिनट तक आपने मेरे साथ गाली गलोच की। अभी हमारी बाबा की हमारी किसी पगली भी नहीं की होगी। अभी अभी इस समय मैं खुद एजेंटों को ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कम चांस मिल रहा है कि जिसकी ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, ठीक है। इस कोई आता ही नहीं है, लाइव लोकेशन देता हूँ वहाँ का तब भी नहीं आता, पूरा एड्रेस दे देता हूँ तब भी नहीं आता बंदा मेरे पास। मुझे ये तो बताओ, मुझे इन्होंने मनीष जी ने गाली क्यों दी? मेरा क्वेश्चन यही है, मैंने अभी भी तुम गाली दे दो, अभी भी गाली दे, अभी भी गाली दे दो, अभी भी गाली दे दो, अभी गाली दे दो मनीष जी। देखो 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 सुनो मेरी बात, अभी तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्रॉपर तुमने जान से माने की धमकी दी है, प्रॉपर वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मनीष जी, मनीष जी मुझे मुझे मनीष जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मनीष जी तो मुझे अरे में नहीं होता है। देखो निकलवाने का तो हम अभी पूरी पूरी मतलब जन्म कुंडली पूरी घर से निकाल दें, हम 7 पुस्तकों की 2 मिनट लगेगा खाली निकालने में, कोई दिक्कत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई की इतनी आपने मुझे गाली क्यों दी, आपने मुझे क्यों गाली दी, गाली का मैटर बताओ। तूने बैंक का नाम नहीं बताया, अभी भी नहीं बता रहा। फिर से तू पे आ गया, फिर से तू पे आ गया, फिर से तू पे आ गया, फिर से तू पे आ गया। बिना बैंक के नाम बताए अगर बदतमीजी करेगा किसी से तो कोई तारीफ करेगा भाई। चलिए मैंने बदतमीजी की थी, तूने बैंक का नाम क्यों नहीं बताया ये बता। बदतमीजी मैंने की थी, सच बोलिए, दिल से बोलिए। घर में कोई बच्चा अगला अरे भाई परेशान हो गया है कि मुझे बैंक का नाम नहीं बताया। 10% कमीशन, 10% कमीशन आप लेते हो तो परेशान होकर तो कोई भी आएगा आपके पास। सुन तो ले मेरे को, सुन मेरी बात, अभी भी तो इसी गलत फहमी में, इसी अभी भी तो इसी गलत फहमी की मेरे साथ उसके पास केस चल रहा है। मैं तेरी इन्फॉर्मेशन बता दूं, मेरा भाई उसके उसका कोई केस नहीं है मेरे पास भाई, मेरे वो मेरे से हेल्प मांगने आया है, मैं वही तो तेरे को बता रहा हूँ, बात समझ नहीं। इसमें देखो इसमें कमीशन वमीशन कुछ नहीं होता है, मेरे को 10% एक मिनट सोच रहे कि मेरे सर मेरी बात सुनो संतोष जी, मेरी बात सुन लो, आप कह रहे हो कमीशन नहीं होता, इन्होंने अपने चैनल पे खुद लिख रखा है पेड कंसल्टेंट, ये नहीं डाल रखा है कि फ्री कंसल्टेंट। आप मुझे ये मत समझाओ संतोष जी, मेरी बात सुनो, कमीशन नहीं होता, मेरी बात सुनो, मेरा तू कल आके मिल ले, कल मिल के बात करते, काम हो तो कल आ जा, कल आके मिल ले, फेस टू फेस बात करेंगे, ज्यादा मजा आएगा, वीडियो बनेगी जब वीडियो की धमकी देते हो क्या कि वीडियो बनेगी, वीडियो वीडियो बनेगी, वीडियो बनेगी, वीडियो बनेगी। अरे भाई दुबे जी देखो, तुम पहले जान से माने की धमकी देने से पहले सोचते भाई मैंने किसको, मैंने कोई धमकी दी थी? अगर तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है तो दिखाओ। अरे मैं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ वीडियो डाल रहा हूँ उसकी, अरे मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक अपने आप देखती है, लेकिन अभी अब देखो पूरी कन्वर्सेशन में इतनी बात कर ली, अभी तक ये नहीं बताया कि कौन से बैंक से हो, मुझे पता है तुम कोटक से हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह कि तुम एक बार बोलो हाँ मैं कोटक से हूँ। तुमने इतना जिगरा दिखाया, फर्जी नंबर से कॉल करके गाली गलौज कर रहे हो, फर्जी नंबर से गाली गलौज करनी थी, फर्जी नंबर से मैंने अरे हद है यार, हद है तुम्हारे, रवि तुम्हारे पास तुम्हें कम्प्लेन लगाने का और कुछ नहीं मिला? देखो मेरी बात मुझे मिलने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें कम्प्लेन लगाने का और कुछ नहीं मिला, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी रहती है वर्ड। ये सारे नकली है, बता दो ये सारे वर्ड नकली है, एक बार बैंक का नाम तो बता दो। मैं तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, बैंक का नाम तो बता दो, किस बैंक का नाम तो मुझे ये तो बताओ गाली क्यों बोली, रीजन तो बताओ, क्योंकि तुमने बैंक का नाम नहीं बताया, बोल तो रहा हूँ मैं, अगर बैंक का नाम ना बताया तो आप गाली मत बोलो, किसी से नहीं 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 मैं मतलब मुझे तो की नहीं थी, आपको ये पता है ये चीज, मैं लू लाइन किस बंदे को, ये चीज लाइन पे लू मैं, हाँ लो मैं लो लाइन पे लू, हाँ लो लो गाली गलौज कर रही है, व्हाट्सएप और डीसीपी को बोल रहे हैं, डीसीपी को कंप्लेंट किया है, मेरे बैंक बैलेंस निकाल लिया, ये वो 23 बाई से मैसेज कर रहे थे, अगर की मेरे पे बम इन्होंने बम्बर लगा रखा था, एसएमएस का उल्टा सीधा मैसेज आ रहा है मेरे पास, बॉम्बर का तो मैसेज आपने मेरे ऊपर लगाया है,
भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फोन ले जा के देख ले, मैं मेरे को लगाना भी नहीं आता। तो बॉम्बर का वैसे तो आपने इन्हें कह के मनीष जी को कह के मेरे पर लगवा रखा है। मेरे पास और भाई मनीष जी के पास क्या है भाई लगाने के लिए, मनीष जी को लगाया तुम पास आदमी को। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जो भी करो लीगल तरीके से करो, इलीगल कुछ मत करो, क्योंकि मेरे पास भैया ये हेलो ये भैया ये क्या नाम है, मेरे को कल धमकी दे रहे थे शाम दो पैर मैसेज मार्केट में अपने, ये धमकी दे रहे थे भाई तेरे धमकी धमकी वमकी से डरने की जरूरत नहीं, मैं मेरा हाथ है सबके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको जब दिल चाहे सेक्टर 56 अपना है वहीं भेज देना, वहीं बुला लेना, वहीं आ जाना, वहीं इनको बुला लेना। तुम्हारे सामने बोल दिया ना रोहित ने कि तुम क्या कर रहे थे, अब कुछ बोलना तो बोलो भाई। कुंडली काल दूंगा, कुंडली काल पता नहीं कौन सा मनीष पांडे, कौन सा मेल आईडी, पता नहीं अजय उपाध्याय क्या क्या मैसेज कर रखा भैया। मनीष भाई मैंने आपको सारा शेयर किया है ना व्हाट्सएप पे, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया भैया? मैंने क्या बोला आपको, गलत बात बोला भैया आपको? अरे आपने गलत बात नहीं किया, कितने यार अभी भी आपने कल क्या किया, तू कल क्या बोल रहा था कि मनीष भाई को मैं क्या उसकी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई वो वर्ड यूज भी नहीं करता मुझे, तू बोल रहा था कल मैसेज पे सारे मैसेज स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो अच्छी बात है रोहित भाई, अच्छी बात। ये मुझे कह रहे कि मैंने तुमसे फीस लिया 10% कार को सेटल कराने के लिए, बता देना जरा। अरे मेरे वो कितना परसेंट दिया है, मेरे वो कितना परसेंट दिया है, सामाजिक सेवा है मेरा 10% चलेगा, मैं 10% में करता हूँ, मेरा साला डेली का नहीं कुछ तो 20,000-25,000 का खर्चा हो जाता है। नहीं भाई मुझे धमकी दी गई है कि हम जितना कमाते हो तब भी आपके मेरे को आते हैं रिकवरी वाले। अरे इसमें इसमें क्या होता है ना, ये एजेंसी वाले बैंक वाले आगे कर देते हैं, और ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो हट जाएंगे, मार हमें खाना है, गाली हमें सुनना है, इसलिए उस लीगल वे में आपको बात करना चाहिए कि ना आपको कोई गाली दे सके। रवि भाई ये बताओ रंजन जी कल कितने बजे मिलोगे नोएडा सेक्टर 56 में? चलो कल रोहित को बुलाते हैं साथ में, क्या दिक्कत है, मिलू ना मैं, बताओ कितने बजे टाइम बताओ, मना थोड़ा मैं तो कह ही रहा हूँ मिलने के लिए, मिल ही नहीं रहा बंदा ये, आप तो बताओ पार्टी में रोल ही नहीं है लेकिन। अरे मेरे सामने मीटिंग हो जाएगी, मैं रहूंगा वहाँ, कल कहाँ मिलोगे भाई साहब मैं इसको बोल रहा था, मैं इसको बोल रहा था भाई संडे है कल, कोई बात नहीं कोई इशू नहीं, तू बता दे क्या बता दे, मैं वहीं आके मिलूंगा तेरे से, फिर भी तैयार नहीं है बंदा। मैंने इसको ये ऑफर कर दिया भाई, क्या सेटलमेंट की बात करनी है, सेटलमेंट कराते हैं ना क्या, दिक्कत तो फालतू गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कराना, लालच में है। मैंने तो गाली दिया, मैंने यार मैं तुमसे कल से मैं सुने जा रहा हूँ, मैं कल से सुनते जा रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, मैंने गाली दिया भाई, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट झूठ बोलेगा, उसने क्या क्या वर्डिंग यूज कर रहा है तू देख रहा है भाई, ऐसे सब आदमी बात करता है ऐसे, तो आप मुझे गाली दो, ये अच्छी चीज है भैया, एक शब्द होगा ना, भाई साहब आ रहे हैं ना, तुम नहीं चल भाई साहब सेक्टर में आके, मैं भी आता हूँ, और तू अपनी रिकॉर्डिंग दिखाइयो, मैं अपनी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और व्हाट्सएप कॉलिंग दिखाऊंगा, तुमने कितने लगातार कॉल किए मेरे को। हाँ ठीक है और तू क्या बोल रहा था, फाड़ूंगा मैं, ये करूंगा मैं, उसके पतन जमीन से कल कलाऊंगा, वहां से कल कलाऊंगा, क्या क्या टाटा कह रहा था तू, ये भी बोल दे तुम नहीं कहा, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई, कोई मुझे गाली, भाई मुझे कोई गाली बकेगा और मैं बर्दाश्त करूँ भाई तू किसी को धमकी देगा, गलत तरीके से बात करेगा, पता नहीं कहाँ से डाटा उठा के नंबर उठा के तू बोले, कितना ये वो है स्क्रीनशॉट है उसका, झूठ नहीं बोल रहा, सामने आके बैठ के बात करना फोन पे, हाँ सामने ही आके बात, कल आ जाओ 56 आ जाओ, कल कितने बजे आ रहे हो? 1 बजे के बाद टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूंगा ना, मैं बिजी रहता हूँ, हमें ही बीकानेर से आना है, तो हमें प्रॉपर टाइम बता दो ताकि हम उसके हिसाब से अपना फिक्स कर गया शेड्यूल, 1 बजे के बाद ही आ पाऊंगा ना रंजन भाई, 1 बजे के बाद 1:30 बजे होता है, 2 बजे होता है, एग्जैक्टली टाइम बता दो ना, 1 बजे देखो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 बजे से पहले 1 बजे के बाद यार, ये तो 3 घंटे भाई, अरे तो इतना शेड्यूल इतना टाइम नहीं रहता है भाई, एक टाइम बताओ, आधे घंटे के लिए मैं मीटिंग करूंगा, आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, 1 बजे के बाद 4 बजे पहले तो 3 घंटे हुए थे, तो थोड़ा कोई बैठा जाए, तो मैं 3 वीडियो बना के डालूं तुम्हारी, 3 वीडियो बना के डालो, ये वीडियो की धमकी मत देना मुझे,
अरे भाई धमकी नहीं दे रहा, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जब मैं करूंगा वो बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ वो मुझे धमकी, वो ये मुझे धमकी मत देना मिस्टर दुबे। सुनो मैं तुम्हें ना फोन पे बात कर रहा हूँ ना, सामने तुम्हें दो मिनट नहीं लगेगा बात क्या बोल रहा हूँ क्या हो जाएगा। ठीक है मैं देखो बहुत सहरा हूँ तुम्हें यार, बहुत टॉलरेट कर चुका हूँ मैं तुम्हें। अंकल माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, कह रहे मेरी माँ एक्सपायर हुई, तुम मत बोलो उसके बारे में, बार बार वही चीज याद दिला रहे हो, मैसेज लिख रहे हो तेरी माँ मर चुकी है, तेरी नौकरी जा चुकी है, इसलिए ये क्या बाटी है भाई। आपने क्या बोला था कि मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला ना कि अपनी मम्मी की कसम खा लो कि मैंने गाली दी है, उसमें कोई गलत नहीं। तू पागल है यार, तू पागल आदमी, तू टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा, वो झूठा है टेक्स्ट मैसेज, झूठा है वो, आवाज ब्रेक हो रहा है, टेक्स्ट मैसेज झूठा है क्या वो जो तूने लिख के भेजा भाई, आवाज ब्रेक हो रहा है। डीसीपी को बुला रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, पता नहीं मैं तो बोल रहा हूँ साइबर क्राइम पे मैंने कंप्लेंट डाल दी है आपके नाम की, क्योंकि आपने मुझे लगातार मुझे आपने OTP सेंड की है, मैंने साइबर चुका हूँ और सुन रंजन भाई इसकी सेम काम वही किया, तू एक्सेप्ट कर रहा है रिकॉर्डिंग पे, बॉम्बर लगा के उल्टा सीधा, मैंने बॉम्बर तो लगाया नहीं, मैंने बॉम्बर नहीं लगाया, पर तूने जो लगाया मैंने उसका है ना रिवर्ट किया, मैंने है ना ऑलरेडी मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट डाला है। ऐसा है रवि रंजन हाँ जी सर बोलिए संतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ एसपी डीएसपी जो भी है ठीक है, कल मैं उनको भी बुला लूंगा वहीं पे, मेरा भाई खुद एसपी है वहीं नोएडा में ठीक है, और मैं उसको खुद बुला लूंगा, वो नाम मैं बता दूंगा वहीं बता दूंगा जब बुलाऊंगा ना तो वहीं बुला के सामने बैठा दूंगा, उसके बाद आमने सामने बात कर लेना जो भी करना है, और सारे प्रूफ रख देना, जिसकी गलती होगी वो दबोचा जाएगा ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, कल मिलो कितने, 1 बजे आ जाओ ठीक है, 1 बजे पक्का ना, एक बजे से 1:10 तक मैं वेट करूंगा वहाँ ठीक है ओके ना भाई। हेलो ठीक है ना, चलो कल मिलते हैं, हेलो